सही बात है, टाइम का है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं फोन करता हूँ, बोलता हूँ भाई क्या कर रहा है। हाँ निकालना चाहिए टाइम। मेरे कुछ दोस्त हैं, फोन करता हूँ चल भाई घूमते हैं, घूमने चलते हैं रोड तरफ, बोलता है यार टाइम नहीं है। उनसे कभी पूछो तुम कर क्या रहा, तो कुछ करते नहीं है कभी। लेकिन हमेशा कहते हैं क्या यार टाइम नहीं है अभी। तो वही वाला आप लोग भी कह रहे हैं क्या, हम करते तो कुछ नहीं है लेकिन हमारे पास फिर भी टाइम नहीं होता। क्यों? चलिए जी, टाइम नहीं है ये एक बहुत ही बढ़िया बहाना है। हम करते कुछ नहीं है फिर भी टाइम होता ही नहीं। मुझे टाइम से याद आया, मैं चंद्रगुप्त मौर्य का जीवनी पढ़ रहा था एक बार, तो उसमें मैं एक चीज देखा कि चंद्रगुप्त दिन में सोते नहीं थे, वो राजकाज के काम में बिजी रहते थे। ठीक है, और एक और फैक्ट मिला मेरे को कि वो जैसे दिन में तो सोते नहीं थे कभी, ये एक फैक्ट था। दूसरा ये था जैसे वो कुछ अपना निजी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय जो है कुछ राजकीय लोग आते थे, जैसे कोई बाहर से आया है खबरी वगैरह, तो उन सबसे मिल लेते। मतलब उनका कहने का ये मतलब था कि वो राजकीय काम को अपने निजी जीवन के काम से बाधा नहीं बनने देना चाहते थे। जैसे बाल बाल झाड़ रहे हैं तो भी मिल लिया, खाना पीना खा रहे हैं शायद तो भी मिल लिया, कुछ इस तरह के चंद्रगुप्त करते थे, ऐसा मैंने कुछ किताब में पढ़ा था। ठीक है, जैसे बाल वगैरह झाड़ रहे हैं तो पढ़ लिया बोल रहा हूँ कि मिल लिया उन लोगों से। ठीक है, तो ऐसा वो करते थे। मुझे तुरंत याद आ गया, अपने प्रधानमंत्री भी 18-18 घंटे काम करते हैं, फिर भी काम है कि खत्म होता ही नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये खत्म क्यों नहीं होता, क्यों? अब वही तो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसा काम है जो खत्म ही नहीं होता, 18-18 घंटे काम करते हैं, क्यों? चलिए जी, क्या कर सकते हैं, बड़े लोगों का बड़ा सोच बड़ा काम, क्यों? तो कल क्या क्या हम लोग पढ़े थे भाई, जरा बताओ, बताएंगे आप लोग नहीं बताएंगे? अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं भी खा के निकल लूंगा। क्या मेरे पास अभी समय नहीं है, बाद में बताऊंगा। ठीक है जी, ठीक है ना, तो बताइए जी हम लोग क्या क्या कल पढ़े थे। डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हम लोग कर लिए थे, नहीं किए थे? अच्छा ठीक है, नहीं किए थे, अब कर लेते हैं। प्रोग्राम को मैं कर देता हूँ रन, ठीक, इसको कर दूंगा यहाँ पे क्लिक। चलिए जी, ऐड स्टूडेंट पे क्लिक कर देता हूँ, खुल गया अब डब्बा। इसमें लिख देता हूँ SEM, हो गया जी। कुछ भी लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा हमको लिख देता हूँ, श्याम लास्ट नेम हो गया, राम लिख देता हूँ फादर नेम, मदर नेम भी कुछ भी लिख देता हूँ इधर, डेट ऑफ बर्थ पूछ, एडमिशन पूछ रहा है जी, दे देता हूँ कि कल एडमिशन लिया है ये बंदा, पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ बताओ, बोल देता हूँ परसों जन्म लिया था। ठीक है, क्या कर रहा है जी, DCA कर रहा है, तुरंत ही बड़ा हो गया। ठीक है, फोटो बोल रहा है, फोटो में कुछ और डाल देता हूँ, यही वाला फोटो कर देता हूँ मैं सेव पे क्लिक, और क्या हुआ, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल हो गया। ठीक है जी, मैं दिखा दूँ कि सच में सेव हो गया सक्सेसफुल, तो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो कैसे दिखाऊंगा, माई कंप्यूटर खोल के, माई कंप्यूटर खोलने से दिख जाएगा क्या? नहीं दिखेगा, डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा तो दिखेगा, नहीं जी फिर भी नहीं दिखेगा, फिर जाना पड़ेगा इस डेटाबेस में, तो इस डेटाबेस को ओपन करेंगे तो दिख जाएगा क्या? नहीं दिखेगा फिर भी, तब क्या करना पड़ेगा? तो फाइनली हमको स्टूडेंट टेबल को ओपन करना पड़ेगा, फिर दिख जाएगा क्या? हाँ जी, तब सच में दिख जाएगा, ये देख लो दिख गया। ठीक, तो हम लोग एक काम हम लोग का बाकी रह गया है, ये फोटो यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है जी, तो इसमें फोटो कैसे डाला जाए, क्या दिमाग रिकॉर्डिंग चालू कर पाया मैं नहीं किया है, तो क्या करना चाहिए जी इस फोटो को इसमें सेव करने के लिए, कुछ तपस्या करना पड़ेगा लगता है, हिमालय पे जा करके। ठीक है,
तो मैं गया था कल तपस्या करने, ठीक है, रात भर में तपस्या किया, सुबह प्लेन पकड़ के आ गया इधर नहीं कल शाम को ही गया था प्लेन से और सुबह तक आ गया इधर, क्योंकि रात भर में ज्ञान प्राप्त हो गया। हाँ, अब डायलॉग में नहीं मार सकता मैं ठीक है, तो चला गया प्लेन पकड़ के, ठीक है जी, और फिर आ गया इधर और ज्ञान का प्राप्ति हो गया मुझे। अब वही ज्ञान मैं आपको बता देता हूँ जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसको मैं ले लाता हूँ जी इधर, इसको मैं ले लाता हूँ इधर, यहाँ पे एक और पैरामीटर बना देता हूँ, वो क्या पैरामीटर का नाम होगा, फोटो, PHOTO, फोटो, ठीक, और यहाँ पे गेट जेंडर के जगह पे मैं क्या कर दूंगा, गेट फोटो, ठीक। ये फंक्शन बना नहीं है, मैं बनाऊंगा अभी। अब यहाँ पे मैंने बदलाव करा है तो हमको SQL के क्वेरी में भी बदलाव करना पड़ेगा, आखिरी में क्या लिख दूंगा मैं, फोटो, ठीक, फोटो। तो कोई गाना मैं सुना था फोटो करके, वो याद नहीं आ रहा है हमको, याद आएगा तो बताऊंगा, @ फोटो, ठीक है। अब ये फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा जी, इस पे मैंने क्लिक करा और कर दिया जनरेट मेथड, ये बन गया होगा मेथड, कहाँ पर बनाया नीचे देखते हैं, कहीं बनने किया होगा, ये देखिए यहाँ पे बन गया है जी। तो ऑडियो हो क्या, वहाँ पे मैंने लिखा और क्लिक करके जनरेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे अपने आप जो है बन गया मेथड, समझ में नहीं आया, डिलीट कर दिया इसको, ठीक। अब फिर से मैं जाता हूँ ऊपर, यहाँ पे एरर दे रहा है ना, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ऐसे ही लिख दिया हूँ मैं नाम फंक्शन, यहाँ पे ऐसे ही कॉल कर दिया, लेकिन बनाया तो हूँ नहीं तो कॉल कैसे करूँगा, तब ये एरर वाले जगह पे क्लिक किया है ऐसे, ठीक। तो ये बोल रहा है जनरेट प्रॉपर्टी, मतलब आप प्रॉपर्टी जनरेट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी माने वेरिएबल समझ लो आप, ठीक। तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं जी प्रॉपर्टी मैं नहीं जनरेट करूँगा, ऊपर लिखा है जनरेट मेथड, तो मैं सोचता हूँ कि हाँ जी मेथड मैं एक ठो जनरेट कर देता हूँ, इस पर क्लिक किया अपने आप नीचे एक ठो मेथड जनरेट होके रेडी हो गया, ठीक। और यहाँ पे मैं आऊँगा और कर दूंगा ऐसे, ठीक, समझ में आ गया, फोटो हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, पता नहीं क्या क्या हो, ठीक। तो उन सबको सेव करने के लिए क्या है, तो एक्सेस में क्या है जी, OLE ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन इधर क्या है, विजुअल बेसिक में फोटो को स्टोर कैसे करेंगे जी, ठीक है, यहाँ तो सीधा इमेज है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे कि इधर से दे देंगे बाइट एरे, ठीक, बाइट समझते हैं आप लोग, बिट बाइट बताया था मैंने आपको बाइट, ठीक है। तो बाइट एरे में हम फोटो को क्या करेंगे, कन्वर्ट, और उसी बाइट एरे को हम एक्सेस के डेटाबेस में डाल देंगे, रख देंगे, बोलेंगे जी रखे रहो तुम यही, ठीक। तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या कर दूंगा, बाइट, ठीक, बाइट के बाद लिख दूंगा ऐसे, ठीक है जी। और रिटर्न मैं क्या कर दूंगा जी, मेरे को क्या रिटर्न करना चाहिए, मेरे को पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा है क्या रिटर्न करना चाहिए, लगता है ज्ञान भूल गया मैं। मेमोरी स्ट्रीम का मैं बनाता हूँ, ठीक है, डीम, मेमोरी स्ट्रीम एक क्लास है जी, str एज न्यू मेमोरी स्ट्रीम, नहीं मिलेगा क्या मेरे को, मेमोरी मेमोरी स्ट्रीम, लेकिन है कहाँ, मैं नेम स्पेस भूल रहा हूँ इसका, चलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मिल जाए मेरे को नेम स्पेस, डॉट IO में तो नहीं है, IO डॉट मेमोरी स्ट्रीम, देखिए मिल गया मेरे को, ठीक है। तो मैंने अंदाजा लगाया क्योंकि स्ट्रीम इनपुट आउटपुट के रिलेटेड ही है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा और पहले आ जाऊंगा ऊपर और क्या कर लूंगा, इम्पोर्ट, क्या इम्पोर्ट करूंगा जी, सिस्टम डॉट
.io.memorystream, ठीक। तो इतना मैं मेमोरी स्ट्रीम ना लिखते हुए आईओ लिख के सिर्फ मार देता हूँ जी एंटर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और इधर लिख के मैं क्या कर दूंगा, न्यू मेमोरी स्ट्रीम, ठीक, ऐसे पास कर दिया जी, मेमोरी स्ट्रीम बन गया। अब मैं क्या करूंगा जी, ये मेमोरी स्ट्रीम का मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट। मेमोरी स्ट्रीम एक प्री डिफाइंड क्लास है जी, ठीक है, याद होगा मैंने आपको काफी समय पहले बताया था, ठीक है। अब क्या करूंगा जी, मैं अब पिक्चर बॉक्स का नाम लिखूंगा, ठीक। कौन से पिक्चर बॉक्स का नाम लिखूंगा मैं, इस वाले पिक्चर बॉक्स का नाम लिखूंगा। इस वाले पिक्चर बॉक्स का नाम क्या है जी, पिक्चर बॉक्स वन इसका नाम है जी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट पे आया पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज, और इमेज में हम सेव मेथड पास करेंगे। अच्छा, जब मैं आप लोगों को पिक्चर बॉक्स पढ़ा रहा था तो उसमें फोटो को सेव करना बताया था ना, तो उसमें हम क्या करते थे जी, डॉट सेव मेथड कॉल कर देते थे, सेव करते थे, और उसमें हम क्या देते थे, क्या दे देते थे, फाइल का नाम। जैसे यहाँ पे फाइल नेम है जी, स्ट्रिंग बोल रहा है, तो अब की बार मैं क्या कर दूंगा जी, फाइल नेम दे ना दे करके मैं, ये देखिए बोल रहा है यहाँ पे स्ट्रीम एज अ सिस्टम डॉट आईओ डॉट स्ट्रीम, ठीक, ये स्ट्रीम मांग रहा है। तो मैंने मेमोरी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, str पास कर दूंगा, स्पेस दिया। अब बोल रहा है फॉर्मेट बताओ जी, ठीक है, फॉर्मेट क्या होगा जी, तो मैं फॉर्मेट इसको क्या बता दूं जी, फॉर्मेट क्या बता दूं मैं, रॉ फॉर्मेट दे दूं क्या, क्यों रॉ फॉर्मेट दे दूं या कुछ और दे दूं। मुझे कुछ टाइम दीजिए सोचने के लिए, तो रॉ फॉर्मेट ही दे देता हूं मैं, दूसरा सोचने से बेहतर है मेरे को, ठीक है। इमेज डॉट फॉर्मेट तो बाकी भी होता है, ठीक है, लेकिन ये मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है जी, तो मैं रॉ फॉर्मेट इधर दे दिया, ठीक है जी। तो क्या हुआ, रॉ फॉर्मेट मतलब आप लोग समझते हैं रॉ में ही पूरा रहेगा, ठीक है। तो ये इमेज कहाँ सेव कर दिया जी, इस मेमोरी स्ट्रीम में, इस वाले वेरिएबल में, ठीक है, सेव कर दिया जो इस पिक्चर बॉक्स में इमेज है, ठीक है, इस पिक्चर बॉक्स में जो इमेज है, ठीक है, उसको सेव कर दिया कहाँ पे, इस वाले वेरिएबल में, ठीक, किस फॉर्मेट में जी, तो रॉ फॉर्मेट में ही मैंने सेव कर दिया, ठीक है। फिर मैं रिटर्न कीवर्ड लगा दूंगा जी, ठीक है, रिटर्न स्पेलिंग सही है ना, हाँ, फिर str कर दूंगा डॉट गेट बफर कॉल कर देता हूँ जी, गेट बफर जैसे ही कॉल करूंगा एरे के फॉर्म में मेरे को दे देगा जी, ठीक। तो बस इतना ही कोड था, बड़ा आसान काम था, क्यों, चलिए जी, हो गया हमारा काम, ठीक है, चलिए जी, काम हो गया ना, चलिए जी, तो आगे देख लें। इसमें किसी को कुछ समस्या है तो आप पूछ सकते हैं जी, समस्या है नहीं है, कहो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर दीजिए, जब समस्या नहीं आएगा तो मान लीजिएगा कि हमको भी समस्या नहीं है, क्यों। तो मैं क्वेरी चेक कर लेता हूं, इधर फोटो तो दे दिया हूं क्वेरी में, ठीक है, और आखिरी में इधर आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो मैं फोटो लिखा हूं ना, वो डेटाबेस एक्सेस में फोटो ही होना चाहिए, तभी जा करके क्या होगा, हमारा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट होगा, अन्यथा क्या कह देगा, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक, या कुछ भी एक्सेप्शन दे दे, एरर तो आई गया जी, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं हुआ जी, समस्या हो गया जी, ठीक है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे फोटो है, ठीक, मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, क्या करें आप, नहीं समझा मैं, प्रोग्राम को, हाँ मैं नहीं रन किया हूँ, अब करूँगा, ठीक है, मैं देख रहा था कि कॉलम का नेम फोटो ही है कि नहीं है, चलिए जी,
तो मैं कर देता हूँ जी आयरिश स्टूडेंट पे क्लिक, इसमें कर देता हूँ न्यू, इसमें कर देता हूँ एसटीडी, और इसमें कर देता हूँ फादर, इसमें कर देता हूँ मदर, ठीक, और इसमें कर देता हूँ 23, कल एडमिशन हो जाएगा इसका, जन्म ले लिया था 20 तारीख को, ठीक है, और डीसी अब ये करना चाह रहा है ये, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है जी हम लोग को, मान लो यही उसका फोटो है, ठीक है, कर देता हूँ उसे पे क्लिक, ठीक जी। क्या बात है यार, ये तो सक्सेसफुली रिकॉर्ड सेव हो गया, लगता है तपस्या हम लोगों का सक्सेस हो गया, ठीक है, तो हमारे तपस्या में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। चलिए इसको मैं करता हूँ ओपन, और अब देखते हैं जी हमारा फोटो कहाँ है, तो यही देखिए जी फोटो यहाँ पे आके तैयार है, बोल रहा है बाइनरी डेटा है भाई इसमें, मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक, तो फोटो सेव हो गया ना यहाँ। चलिए जी फोटो सेव हो गया, अब हमको क्या करना चाहिए जी, करता हूँ मैं प्रोग्राम को रन, और रन करने के बाद क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा ऐड स्टूडेंट पे क्लिक, यहाँ पे दूसरा दोबारा भी स्टूडेंट को मैं सेव कर सकता हूँ, बड़ा आसान काम है, आप लोग तो जानते ही हैं, इसको मैं कर दूंगा बंद, और फिर क्या करूँगा, जो भी डेटा सेव हुआ है वो सारा डेटा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमको क्या हो, दिखाई देने लगे। तो दिखाई कैसे देने लगेगा जी, आप लोग को मालूम है दिखाई कैसे देता है डेटा, नहीं मालूम है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, हिमालय जाना पड़ता है तपस्या करने के लिए। तो हम लोग गए थे हिमालय जी तपस्या करने, वहां से ज्ञान प्राप्त करके आ गए हैं, ठीक है, तो किधर गया ग्रिड व्यू कंट्रोल। चलिए जी, ये कौन मैसेज कर रहा है मुझे, बोल रहा है आपने जीत गए हैं 50 करोड़ रुपए, वाह हम तो खुशी से पगला गए हम 50 करोड़ का नाम है सुन के खुशी से पगला गए हम लेकिन नहीं, हमको लिमिट से जरूरत नहीं चाहिए जी, चाहे पैसा ही क्यों ना हो, ऐसा होता होगा क्या, हाँ मेरे को भेजा था, भेजा क्या था, फोन करा था कि व्हाट्सएप पे कॉल करें, इतने करोड़ का लॉटरी लगा है, आप बहुत ज़्यादा पेटीएम यूज किए हैं, पेटीएम कंपनी खुश हुआ है आपसे, बोला है ये कब हुआ मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने तो पेटीएम कभी यूज ही नहीं करा, ऐसा तब हमने कहा वाह आप कितने अच्छे हैं, आपके ही जैसे देश में लोगों तो मतलब क्या मैं कहूँ, आप इतने अच्छे आदमी हैं, अपना खा करके अपने मोबाइल का बिल बढ़ा के आप मुझे प्रॉफिट देना चाह रहे हैं, ऐसा करिए कि आपके प्रति मुझे बहुत दया प्रेम करना आ रहा है, इसलिए वो पैसा आप ही रख लीजिए अब साहब क्या करें कहीं क्या करें, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको बताएं ठीक है, हाँ वो मैं यही कहते हैं कि 50 करोड़ का लॉटरी लगा तो 10 करोड़ का लॉटरी लगा, बेरोजगारी इतना बढ़ गया कि लोग ऐसे करने पे मजबूर हो गए, मैं बताया था एक बार, मेरे से पूछा था एक बार, मैंने बताया था बैंक का अपना एटीएम कार्ड नंबर, बोल रहा है आपका एटीएम एक्सपायर हो गया है, मैं बोला यही तो मैं भी तुम्हें कहना चाह रहा था, लेकिन फिर सोचा कि आप ज्ञानी पुरुष हैं तो काम कर सकते हैं आप एक्सपायर एटीएम से भी चलिए जी, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि फॉर्म जैसे ही मेरा लोड हो डेटाबेस से डेटा उठे और तुरंत आके दिखने लगे कहाँ, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में, ठीक, तो मैं क्या मेथड लिखूंगा जी, एल ओ ए डी लोड डेटा डेटा इनटू ग्रिड व्यू कंट्रोल, बोलो इतना लंबा चौड़ा नाम लेके कौन सा झंडा गाड़ने वाले हो, नो प्रॉब्लम, तो अब हमको क्या करना चाहिए जी, तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, कनेक्शन बनाना चाहिए, ठीक,
तो आपको अगर याद होगा तो मैंने कनेक्शन यहाँ पे बनाया था ना, ऊपर यहाँ पे कनेक्शन बनाया था मैंने, नहीं बनाया था, बनाया था कनेक्शन ये वाला, तो यही कनेक्शन मैं दोबारा बनाऊँ, ये कनेक्शन स्ट्रिंग दोबारा लिखूँ, क्यों लिख दो ना लिखूँ मज़ा नहीं आएगा, तो इससे अच्छा क्या करूँ, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर दूँ, ठीक, यहाँ से मैंने कट कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो इसी फॉर्म के लिए वैलिड होगा, लेकिन मेरे को तो इस फॉर्म में भी चाहिए और इस फॉर्म में भी चाहिए, दोनों फॉर्म में चाहिए ना, इस फॉर्म में भी चाहिए और इस फॉर्म में भी चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए जी, हमको दूसरा नया क्लास बनाना चाहिए, समझ गए आप, समझ में आ गया आप लोगों को, या फिर क्या करना चाहिए, web.xml फाइल ले लूँ, रहने दो xml फाइल अभी नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है, हमको क्लास बना लेना चाहिए, जैसे माई इमेज के केस में मैं बनाया था ना, माई इमेज में आपको याद होगा तो मैं फोटो के केस में बनाया था ना यहाँ पे एक नया क्लास, तो ठीक इसी तरह से मैं क्लास बना लूँगा, ठीक है, यही तरीका जो है हम अभी यूज करेंगे, बाद में हम web.xml फाइल ले लेंगे, xml फाइल एक, ठीक है, और वहाँ पे जो है बना देंगे, ये क्लास ले लूँगा और क्लास में का नाम क्या दे दूँगा जी, कनेक्शन, कनेक्शन दे दिया नाम, स्पेलिंग सही है कनेक्शन का, गलती है होगा तो हमारा कुछ बिगड़ेगा क्या, मैं फंक्शन ना बना के जनरली स्ट्रिंग टाइप का एक ले लेता हूँ, ऐसे तो नहीं ना लिया जाता है, डीम कॉन एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग इक्वल टू एच एस टी आर आई एन जी इक्वल टू डबल कोट कर देता हूँ पेस्ट, ठीक, कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलिए लाइट आ जाने दीजिए, लाइट तो फिर हम और करेंगे काम, ठीक है, तब तक रुके रहता हूँ मैं, चलो हो गया चालू। चलिए जी, क्लियर दिखाई दे रहा होगा प्रोजेक्टर में आप लोगों को, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग तो मेरा वहाँ पे बन गया है ना, तो मैं क्या करूँगा जी, कनेक्शन स्ट्रिंग में आऊँगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कनेक्शन स्ट्रिंग एस टी आर, ऐसे थोड़े ना लिखा जाएगा, कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग ये है क्या, कहाँ चला गया, लेकिन मैं ऐसे क्यों एक्सेस कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना मुझे, तो न्यू यहाँ पे मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट डीम कॉन एज न्यू कनेक्शन, ऐसे लिखा यहाँ पे, ऐसे बना दूंगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आके डॉट एक कनेक्शन स्ट्रिंग लिख दिया जी, ठीक, ऐसे मैं लिख दूंगा, फिर से मैसेज किया, कोई दूसरा है ये, करोड़ रुपए वाला नहीं है, ठीक है, तो ये वाला लाइन हमने लिख दिया जी, तो काम हमारा चल गया। अब इसी लाइन को मैं कॉपी करूंगा जी और इस वाले फॉर्म पे भी आ करके सबसे टॉप में लिख दूंगा, ठीक है, चाहे यहाँ पे लिख दूंगा, नहीं मैं टॉप में लिखता हूँ अभी यहाँ, ठीक, तो अब यहाँ पे आऊँगा जी, तो क्या करूँगा जी, यूजिंग कॉन एज न्यू ओ एल ई डी बी कनेक्शन, ओ एल ई डी बी कनेक्शन, ओ एल ई डी बी कनेक्शन लिखूंगा ऐसे,
ठीक है, मैं ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे थोड़ी इंपोर्ट किया जाता है, ऊपर ना किया जाता है, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB, ठीक, कर लिया जी मैं इंपोर्ट, ठीक है। अब आऊँगा नीचे जी और यहाँ पे आके क्या कर दूँगा, कनेक्शन ये वाला, ठीक, और इसको मैं क्या पास कर दूंगा, इंड यूजिंग, यहाँ पे अपने आप आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और इसी कनेक्शन में क्या कॉल कर लूँगा जी, कनेक्शन स्ट्रिंग को, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग को, ठीक, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे जी, हम अब कमांड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो फिर से मैं यूजिंग लिखूँगा CMD एज ए न्यू OLEDB कमांड, ठीक है। इसको क्या दे दूंगा, पहला पैरामीटर में कमांड जाएगा, दूसरा पैरामीटर में कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जाएगा जी। जैसे इंटर मारा, इंड यूजिंग अपने आप लिखा गया जी, मैं ऊपर आ जाता हूँ ऐसे, ठीक है। कमांड में मैं क्या लिख देता हूँ जी, अभी लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, दिक्कत करेगा शायद या ना करे, उम्मीद कम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है जी, ऐसे, ठीक। अब मैंने यहाँ पे कमांड के थ्रू पहले वाले में, मैं पहला जो प्रोजेक्ट एक बहुत छोटा सा बनवाया था, ठीक है, आपको याद है, पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें ग्रिड व्यू कंट्रोल में मैंने डेटा शो किया था, राइट, और जो डेटा उसमें मैं शो करा था, उसमें मैंने क्या करा था कि डेटा एडॉप्टर के थ्रू लाया था ना मैं डेटा, वो था डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में मैं कनेक्टेड आर्किटेक्चर का पूरा इस्तेमाल करूँ, पूरा के पूरा कनेक्टेड आर्किटेक्चर, राइट। तो यहाँ पे मैंने कमांड का ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है, बन गया कमांड का ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या करना है, कमांड हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक। तो डीम रीडर एज OLE डेटा रीडर, डेटा रीडर ये है, इक्वल टू क्या करेंगे जी हम, CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। मैंने आपको बताया था कि कमांड में एग्जीक्यूट नन क्वेरी क्या करता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए है जी, एग्जीक्यूट रीडर डेटाबेस से डेटा सेलेक्ट करने के लिए है, और एग्जीक्यूट स्केलर क्या करता है, एक डेटा लेके आता है। तो हम एग्जीक्यूट रीडर का इस्तेमाल कर लेंगे, अभी मैंने कर दिया एंटर। अब इससे क्या होगा, इसका सारा डेटा रीड होगा और इसमें आके रह जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी, हमको एक बनाना पड़ेगा डेटा टेबल, ठीक। तो बना ले जी हम डेटा टेबल, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है बनाने में। तो कैसे बनाया जी, तो आप लोग को तो मालूम है जी, डेटा टेबल DT लिखा एज ए न्यू डेटा टेबल लिख दूंगा, डेटा टेबल एंटर कर दिया। अब क्या करूंगा जी मैं, रीडर डॉट लोड, रीडर डॉट लोड होता है क्या, या डेटा टेबल डॉट लोड होता है, लगता है डेटा टेबल डॉट लोड, हाँ यार डेटा टेबल का लोड मेथड में बोल रहा था। ये देखिए डेटा टेबल में मैं लोड मेथड पास करा, तो ये लोड मेथड क्या बोल रहा है, रीडर एज अ सिस्टम डॉट डेटा डॉट रीडर, ठीक है, मतलब डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, मैं डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट दे दिया यहाँ पे, ठीक। जैसे ही दिया मैं डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट, अब क्या होगा, डेटा रीडर में जो डेटा था उस डेटा को डेटा टेबल जो है अपने अंदर यहाँ पे लोड फंक्शन कॉल करके लोड कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी, बड़ा आसान काम है, ग्रिड व्यू डेटा, ग्रिड व्यू कंट्रोल उसका नाम होगा शायद, देख लेता हूँ मैं क्या है इसका नाम, कहाँ चला गया, फॉर्म वन ये है, इसका प्रॉपर्टी देखूंगा तो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल वन इसका नाम है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आऊंगा और लिख दूंगा क्या, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल डॉट, डेटा सोर्स प्रॉपर्टी सही होता है ना, डेटा सोर्स प्रॉपर्टी को हम दे देंगे क्या, डेटा टेबल,
ठीक, बस डेटाबेस से डेटा उठा और लोड हो गया जी डेटा टेबल में, ठीक है, बस यही करने का था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने डेटा सोर्स में क्या दिया है जी, डेटा टेबल दिया है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप डेटा टेबल ही दें, इसमें हम क्या क्या दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी दे देंगे जी, ऑब्जेक्ट भी दे दो, लिस्ट भी दे दो, ARRAY दे दो, जेनेरिक कलेक्शन वगैरह भी दे देते हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ है देने के लिए। मैं डेटा टेबल अभी दे रहा हूँ, डेटा टेबल इस लिस्ट में नहीं लिखा, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जेनेरिक लिस्ट दे देते हैं हम, कलेक्शंस वगैरह डेटा टेबल दे देंगे जी, और ऑब्जेक्ट दे देंगे, एरे दे देंगे, बहुत कुछ दे देंगे। मैंने इतना काम करा और प्रोग्राम को कर देता हूँ मैं, कनेक्शन तो मैंने ओपन ही नहीं करा, कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा ना, भूल रहा था यार मैं, cmd.  कहे के लिए मैं लिख रहा हूँ conn.open conn.open, ठीक, कनेक्शन मैंने कर दिया ओपन। ओपन नहीं करता कनेक्शन तो क्या होता जी, बोलता कि कनेक्शन ओपन नहीं है। मैं कमेंट अभी करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे बोलता कि नहीं है कनेक्शन ओपन। एरर आ जा, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, यही देखो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूट रीडर रिक्वायर एज अ ओपन एंड अवेलेबल कनेक्शन, कनेक्शन एज अ करंट स्टेट क्लोज, बोल दिया ना कि अभी स्टेट क्लोज है कनेक्शन का, तो इसीलिए मैं करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद देखिएगा यहाँ पे क्या काम होगा जी, ये देख लीजिए डेटाबेस में डेटा लोड हो गया जी, ये देखिए आ गया। अब अभी यहाँ पे इन सभी में फोटो नहीं था, ठीक है, लेकिन इसमें फोटो था, तो इसमें ये देखिए एक ब्रैकेट छोटा सा दिख रहा है ना, तो एक फोटो दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा सा इसमें फोटो दिख रहा है, ये तो मज़ा भी नहीं आ रहा है देखने में, क्यों नहीं आ रहा है ना, ये छोटा सा फोटो बिल्कुल दिख रहा है, ये ब्रैकेट टाइप में यहाँ पे छोटा सा, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, फोटो यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, चाहे यहाँ पे जो दिख रहा है अभी दिखने दीजिए, ठीक है, चाहे मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे फोटो दिखाए, ठीक है, यहाँ पे तो फोटो दिखता नहीं है, बहुत छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे फोटो, ठीक है। तो इस फोटो को मैं क्या करूँगा जी, गायब कर दूंगा, ग्रिड व्यू कंट्रोल का कुछ सेटिंग कर देता हूँ जी, यहाँ अभी कुछ इसको बंद करता हूँ, ठीक है, क्या क्या सेटिंग करूंगा मैं ग्रिड व्यू कंट्रोल का, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, आऊंगा प्रॉपर्टी में और क्या क्या कर दूंगा, एंकर प्रॉपर्टी में कर ही दिया हूँ, बॉर्डर डिटाइल छोड़ देता हूँ जी, डेटा सोर्स में मैंने कुछ नहीं दिया है, एडिट मोड ये सही है, ठीक है, मल्टी सिलेक्शन इसको मैं गायब कर देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए थी मल्टी सिलेक्शन, रीड ओनली ट्रू ही रहने देता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन मोड कहीं नहीं है क्या, सिलेक्शन मोड यहाँ पे मैं कर देता हूँ फुल रो सेलेक्ट, इससे फुल कॉलम सेलेक्ट होगा, इससे फुल रो सेलेक्ट होगा, मेरे को रो चाहिए सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए जी यहाँ पे, ठीक, पूरा रो अभी सेलेक्ट हो रहा है ना, चलिए जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे सॉर्टिंग भी होगा, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हो रहा है ना, ये देखिए, तो ऐसे होगा। मैं चाहता हूँ कि क्या खाली सो ये इमेज यहाँ पे ना सो, जो यहाँ पे फोटो सो रहा है ना वो फोटो इधर पे ना सो हो, ठीक, तो मैं क्या करूँगा जी, फोटो को यहाँ पे सो नहीं करने दूँगा, ठीक है जी। तो क्या करूँगा उसके लिए, कोड में थोड़ा सा मैं बदलाव करूँगा, और क्या बदलाव करूँगा, कॉपी करा मैंने इसको और यहाँ पे आया, यहाँ पे ये मैंने क्वेरी लिखा है, ठीक, मैंने क्वेरी में बदलाव करूँगा, क्या बदलाव करूँगा, कमेंट लिखता हूँ सेलेक्ट, फिर कॉलम नेम लिखूँगा, ठीक, सेलेक्ट में क्या लिख दिया, मैं फर्स्ट नेम लिख दिया, लास्ट नेम लिख दिया, फादर नेम लिखा, मदर नेम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा, डेट ऑफ एडमिशन लिखा, कोर्स लिखा, जेंडर लिखा, फोटो को नहीं लिखूँगा मैं, ठीक, फोटो को छोड़ दूंगा और बाकी सब रहने दूंगा, ठीक है जी। और फ्रॉम कहाँ से, किस टेबल से दिखाओ, तो यही वाला स्टूडेंट टेबल से आप हमें दिखा दो जी, ठीक,
तो ये क्वेरी आपको तो समझ में आ ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये क्वेरी, ठीक है। तो यही है जी, अब मैं ये जो क्वेरी लिखा हूँ ना ऊपर, ये वाला क्वेरी, इसी क्वेरी को कट करूँगा और इसके जगह पे मैं क्या करूँगा जी, पेस्ट कर दूँगा। आप फोटो खींचेंगे तो आपको आसान हो खींचने में, इसलिए मैंने क्वेरी ऊपर भी लिख दिया, ठीक। अब मैं रन करूँगा तो देखिएगा क्या होगा। ये देखिए फोटो नहीं आ रहा है ना, ये देखिए फोटो नहीं आ रहा है, सिर्फ जेंडर तक आ रहा है, ठीक है जी। चलिए, तो कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार का आपको तो आप कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे कहीं कनेक्शन क्लोज नहीं करा है, क्यों? क्योंकि मैं यूजिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया हूँ। एक कनेक्शन जो है यहाँ पे जैसे ही आएगा अपने आप जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा सारा चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरत नहीं है कनेक्शन को क्लोज करने का, ठीक है। यहां भी लिखते हैं क्या, यहां पे भी आकर के लिख दो इंड यूजिंग, ठीक है जी। अबे डेटा टेबल बोल रहा है कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, ठीक है। तो डेटा टेबल को आप चाहो तो ऊपर भी बना सकते हो, क्या दिक्कत है। एलो, ठीक, ऐसे आप रन कर देंगे तो क्या नहीं चलेगा, चलेगा जी। आ गया ना डेटा, एलो आ गया जी। तो यहाँ पे डेटा टेबल बना दी, डेटा को हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। डेटा रीडर यहाँ पे इस बना वेरिएबल, जैसे ही डेटा टेबल में डेटा रीडर का डेटा डेटा टेबल में रीड हो गया, वैसे ही मैंने डेटा रीडर को भी इंड यूजिंग के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ लीजिए जी, नहीं पूछना है तो फोटो फाटो खींच लीजिए, ठीक है। ये है, इधर करूँ तो बाकी भी क्वेरी इधर दिख जाएगा, ठीक है। हाँ पूरा शुरू से बताऊँ एक बार, अच्छा ये बात है। मैंने यहाँ पे फोटो भी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे फोटो का भी एक वेरिएबल लिया है, ठीक। लास्ट में एक पैरामीटर भी ऐड करा है यहाँ पे, ठीक है। वो पैरामीटर ये है मेरा, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन भी कॉल करा है हमने, खींचा आपने फोटो क्या, एक मैंने मेथड कॉल करा है यहाँ पे। ये मेथड बना कहाँ है, तो सबसे नीचे बना है ये मेथड, ये है जी मेथड। आप चाहें तो खींच ले फोटो, सारा ठीक है जी, यही सही। शुरू से पूरा खींचना है तो यही लो, ये ले लो, हो गया फोटो खींचा हुआ। नीचे करो, एक कोड फोल्डिंग है इसको मैं हटा देता हूँ, फोल्ड को इसका ले लीजिए आप, हो गया। ये ले लीजिए, इसको भी खींच लीजिए, हो गया। और ऊपर मैं कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं अभी फोल्ड करता हूँ, इसको भी फोल्ड कर देता हूँ, इन सब को मैं फोल्ड कर देता हूँ। सिर्फ इतने का ही अभी आप खींचिए फोटो, ठीक, इतने का। हो गया, चलिए। आपके वजह से जो इधर देख रहा होगा YouTube पे उसका भी फायदा हो जाएगा। हो गया जी, नहीं हुआ तो इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ इन सभी को, और फिर इंसर्ट डेटा सब रूटीन को मैं कॉल करता हूँ,
रिकॉल करता हूँ, मतलब दिखा रहा हूँ, ले लीजिए, ये देख लीजिए इतना कोड इसमें है। हो गया। इधर भी अगर आप देखेंगे तो देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, ये तो बड़ा लंबा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। ये एसक्यूएल का क्वेरी है जी, इसका भी खींचना है तो खींच लीजिए। हो गया। हो गया। ये भी खींच लीजिए। लास्ट में मैंने कनेक्शन यहाँ पे पास करा है। हो गया। इसको भी मैं फोल्ड करता हूँ। इन सब को अब आप खींच लीजिए। इसमें तो कुछ बड़ा चीज में बोर्ड नहीं लिखा हूँ तो इसको ये भी खींच लीजिए आप आखिरी। हो गया। चलिए फिर से मैं इसको छोटा करता हूँ, इसको फिट कर देता हूँ इधर, ठीक है। जिसका आपने सोर्स कोड का फोटो खींचा उसका डिजाइन चाहिए तो ये देख लीजिए जी, जी डिजाइन। लेकिन वैसे डिजाइन का तो कोई उतना है नहीं, आप लोग बना ही लेंगे, ये उसका डिजाइन है जी। क्यों फॉर्म वन को देख लीजिए, ये है हमारा फॉर्म वन, इसका डिजाइन दिखाऊं तो ये है जी डिजाइन इसका, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। कोड इसका आप देख लीजिए, ये है कोड, फॉर्म वन वाला कोड है। इसमें तो कोई बहुत ज्यादा मैंने कोड अभी नहीं लिखा है। इतना ही कोड है इसमें, इसका भी खींच लीजिए फोटो। हो गया। क्वेरी का भी खींचना है तो ये खींच लीजिए इसका। तो डिलीट वगैरह अभी देख लें कि बाद में देखें? बाद में देखें, ठीक है कल ही देख लेते हैं डिलीट का। इसको मैं कर देता हूँ छोटा, तो आप लोग प्रैक्टिकल अपना करिए, मैं इसको कर लेता हूँ।